देखो रे ऑप्टिक्स करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स हमने लास्ट टाइम कर लिया था। और वेव ऑप्टिक्स में देखा कि थोड़े थोड़े ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन आए हुए थे। रे में उल्टा है, रे में बहुत ही सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर सच पूछो 3 साल का पेपर आज एनालिसिस करेंगे और आप ये देखोगे कि सिर्फ 4 या 5 टॉपिक हैं जो बार बार वही रिपीट हुए जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ईजी है, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, बस वो बड़े ध्यान से देखना है आपने। फिलहाल इसको एक बार गो थ्रू करते हैं। रे फिर भी थोड़ा सा ईजी लगता है, थ्योरी में थोड़ा जल्दी भी होता है वैसे कवर करना, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें री ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ये स्टार्ट था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर ये स्नेल्स लॉ, सबसे पहले हमने स्नेल्स लॉ सीखा, फिर स्नेल्स लॉ हमने नहीं करना, मतलब हमें पता है स्नेल्स लॉ क्या आता है। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ की, जिसको नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, रियल और अपेरेंट डेप्थ के अंदर हमने क्या किया कि अगर ये ऑब्जेक्ट है और एक रे सीधा एक रे रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ पर आके मिलेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आए और रिफ्रैक्शन आ रहे, तो आर आर कॉरस्पॉन्डिंग है और ये ऑल्टरनेट है। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, इसमें साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाई बी आई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए बी बाई बी ओ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू वाटर इंटू साइन आई इज म्यू एयर इंटू साइन आर, ये मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। साइन आर साइन आई की वैल्यू जो ऊपर निकाली मैंने पुट कर दी नीचे, तो जब मैंने ये वैल्यू को पुट किया तो एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ गया, वाटर नीचे रह गया। ये वैल्यूज को पुट किया ओ बी बाई आई बी पर, क्योंकि एंगल, क्योंकि ओ और ए और बी पॉइंट बहुत नजदीक है इस फिगर में, तो बी को ए के साथ रिप्लेस कर दिया। और ओ ए बाई आई ए का मतलब अगर आप फिगर में देखें, बी और ए काफी नजदीक है, तो ओ ए का मतलब रियल डेप्थ है, आई ए का मतलब अपेरेंट डेप्थ है। तो ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ आ गया। और जो डी का मतलब नॉर्मल शिफ्ट है, नॉर्मल शिफ्ट है रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, तो इसमें से ओ ए कॉमन आ गया। और ए आई बाई ओ ए की रेशियो हमने यहाँ से म्यू निकाली हुई है, इसको 1/म्यू पुट कर लेंगे, तो आपके पास ये फाइनल जो है नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू आ गई। लेटरल शिफ्ट जो बहुत कम देखने को मिलता है, इसमें रे ऑफ लाइट आई रिफ्रैक्ट होगी बाहर आ गई, अगर रिफ्रैक्ट ना होती तो यहाँ से आती, इस डी को आप क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। अगर ये एंगल आई है तो ये आर है रिफ्रैक्शन का, तो ये आई है टोटल वर्टिकली ऑपोजिट से, तो ये आई माइनस आर है। तो इसके अंदर साइन ऑफ आई माइनस आर क्या होगा, डी डिवाइडेड बाई कितना, ओ क्यू। तो ये फर्स्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी आ गया, डी हमने निकालना है। इस ट्राइंगल से कॉस आर की वैल्यू होगी टी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आएगी, लेटरल शिफ्ट है। मेरे को लगता है कि प्रॉबिलिटी आने की नॉर्मल शिफ्ट की ज्यादा रहती है, लेटरल की तो मैंने कभी, वैसे बहुत ही कम चांस एक है। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो TIR पे बनता है, TIR के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। TIR है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशंस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर में होना चाहिए, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो तीसरा जो क्वेश्चन आता है इन दो प्रिजम्स पे ऊपर आता है, ये दो प्रिजम्स है, आइसोसेल्स प्रिज्म है, वो TIR करके दिखाओ और रेस को 90 डिग्री पे बेंड करके दिखाओ और इसके अंदर 180 बेंड करके दिखाओ, तो ऑब्जेक्ट और इमेज 180 पर आपको मिलेंगे। तो ये दोनों डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है मार्क करने हैं, ये ड्रॉ करने को आते हैं। इसके बाद क्रिटिकल एंगल के अंदर साइन म्यू इज 1/sin C, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है और इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आता है। ठीक, कैसे आता है अभी देखेंगे। रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस, रिफ्रैक्टिंग सर्फेस के ऊपर डेरिवेशन सारी एक जैसी हैं, जिसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस पहला केस है, रेयर टू डेंसर, दूसरा डेंसर टू रेयर। रेयर टू डेंसर के अंदर कन्वेक्स और कनकेव है और डेंसर टू रेयर के अंदर कन्वेक्स और कनकेव है, तो एक में रियल वर्चुअल और ये सब केसेस बनते हैं। जैसे पहला केस है, मान लो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, और रियल का केस है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और म्यू वन का मतलब रेयर मीडियम है, म्यू टू का मतलब इसमें डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट आई सीधी, रे ऑफ लाइट इधर गई और बेंड हो गई, आई पे मिल गई, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, और ये परपेंडिकुलर है। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा है, इमेज का बीटा है, और इसका नॉर्मल का एंगल गामा है, और इसके अंदर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर, वही सारे स्टेप्स इसमें सेम है। सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगेगा, म्यू वन इंटू साइन आई इज म्यू टू इंटू साइन आर, तो यहाँ पर एंगल स्मॉल है तो साइन आई को आई, साइन आर को आर। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दो ट्राइंगल में लगेगी, पहला ट्राइंगल होगा आई ए सी, दूसरा होगा ओ ए सी, स्टैंडर्ड है। तो ये ट्राइंगल है आपके पास आई ए सी, तो जिसमें एक्सटीरियर एंगल गामा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा,
और दूसरा ट्राइंगल इज ओ ए सी, तो जिसमें एक्सटीरियर एंगल आई आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। तो आई और आर की वैल्यू को आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ जहाँ पर आपने लगाया वहाँ पर आप पुट कर दें और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आई और आर की वैल्यू को पुट करें। तो एल्फा टेन एल्फा मानते हुए आपने रेशियोज पुट करनी है, गामा टेन गामा और ऐसी टेन बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एम पी के क्लोज है तो यहाँ पर पी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और फाइनली इसमें वैल्यूज को जब पुट करना है केसेस सारे याद करने हैं, रियल के केस में पी ओ इज माइनस यू, पी आई इज प्लस वी, रियल के केस में यू नेगेटिव है वी पॉजिटिव है, और पी सी इज प्लस आर, कन्वेक्स के केस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रियल इमेज में आर इज पॉजिटिव, तो ये प्लस आर है राइट की तरफ है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी इज म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये आपको पता होना चाहिए कैसे प्रूव करना है। बाकी सारे केस वर्चुअल का केस है या जितने भी केस हैं वो एग्जैक्टली वही इन ट्राइंगल आई ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी, वही एक्सटीरियर, वही स्नेल्स लॉ, कोई फर्क नहीं है। तो ये आपको ये एक जैसे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रूव करने हैं, राइट। तो हम देखेंगे एप्लीकेशन आता क्या है बेसिकली। तो ये टॉपिक आज का लेक्चर ये रही, मैं एक घंटे में व्यू ऑप्टिक री ऑप्टिक्स नहीं सिखा सकता, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रिपरेशन करते हुए ये टॉपिक आए हुए हैं, इसको बड़े ध्यान से करना है, दैट्स इट। तो ये टॉपिक है, इसके बाद इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक ये एक पार्ट खत्म होता है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बेस पे हमने असाइनमेंट की थी, मैंने एनसीईआरटी के असाइनमेंट्स दी हुई हैं इसमें, टीआईआर ये रहा पहला टीआईआर की और रिफ्रैक्टिंग सरफेस की असाइनमेंट मिली हुई है आपको, जिसके अंदर टीआईआर के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया। TIR के अंदर जैसे कि सपोज करो कोई भी स्नेल्स लॉ आपको इसमें ये तो स्नेल्स लॉ की एप्लीकेशन है रादर, TIR नहीं है, ये भी रियल और एपरेंट डेप्थ है, कुछ नहीं है इसमें, रियल एपरेंट डेप्थ है ये रहा। जैसे इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्लास स्लैब इज इमर्स्ड इन वाटर, तो ग्लास को वाटर में डाल दिया, तो जब आप क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे साइन सी इज वन बाई म्यू, तो नीचे क्या होगा डेंसर और यहाँ पे क्या होगा रेयरर। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूल है इसमें आप रेयर डेंसर मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर ही लाइट ट्रेवल करेगी तभी बात बनेगी, तो ये डेंसर होगा और ये रेयर होगा। तो डेंसर इसमें ग्लास है, रेयर इसमें वाटर है, तो इसको रीअरेंज करके आपके पास ये जो वैल्यू है अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी, ग्लास ऊपर वाटर नीचे, और फिर यहाँ से क्रिटिकल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड। तो पता होना चाहिए कि नीचे वाला डेंसर ऊपर वाला रेयर मीडियम है। तो उसी तरीके से जैसे ये एक सोर्स है और लाइट एमिट कर रहा है और लाइट हर तरफ जा रही है, आपको क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है कि कितने एरिया में से लाइट बाहर निकल रही है, क्योंकि इसके बाद लाइट बाहर आ नहीं पाएगी बिकॉज टी आई आर हो जाएगा और लाइट जो है वो अंदर ही अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इसके लिए रेडियस आर चाहिए होगा, इसका ये आर है, तो लाइट जब इस यहाँ पर जा रही है तो ये एंगल क्रिटिकल माना जाएगा। अगर ये क्रिटिकल है ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्रिटिकल है, तो ये सी तो ये भी सी है, तो क्रिटिकल एंगल हम निकाल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वन बाई साइन सी, म्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से साइन सी आएगा, साइन सी से आप tan c निकाल सकते हो और tan c इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय दिस हाइट, ये हाइट आपको गिवन है, तो यहां से r कैन बी कैलकुलेटेड, r आ गया तो पाई r स्क्वायर से एरिया की वैल्यू कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप एरिया निकालेंगे TIR में। TIR की एक और भी क्वेश्चन है, इसमें बताऊंगा अभी आगे जाके, प्रिज्म के साथ आएगा और वो हमेशा आता है प्रिज्म की शीट में से। फिर हमने रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की कुछ प्रॉब्लम्स की थी। रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की प्रॉब्लम्स के अंदर एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है और आपको इसमें बस ये केस ही आइडेंटिफाई करना होता है कि रेयर टू डेंसर का केस है या डेंसर टू रेयर का केस है। कभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देगा इमेज पूछ लेगा, इमेज का डिस्टेंस देगा ऑब्जेक्ट पूछ लेगा। तो इसके अंदर क्वेश्चन है कि ओ ऑब्जेक्ट है और जो ओ ऑब्जेक्ट है वो किसी डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है और आप इसको कहाँ से देख रहे हैं, रेयर से देख रहे हैं। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकलेंगी, डेंसर से रेयर निकलेंगी, तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेयर में होता तो रे ऑफ लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो डेंसर से रेयर जाएगा। आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सी से गिवन है 2 सेंटीमीटर, पर हम सारे डिस्टेंसेस पोल से लेते हैं तो पोल से ओ का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव और क्योंकि ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम इज इन डेंसर मीडियम तो रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो आप इसमें डेंसर टू रेयर का फॉर्मूला लगाएं, म्यू वन और म्यू टू में से म्यू वन छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है, म्यू टू बड़ा माना जाता है, म्यू टू म्यू वन को पुट करें, यू नेगेटिव पुट करें और आर को नेगेटिव इसलिए पुट करें क्योंकि अगर ये आपका पोल है, ये पोल है, रे लेफ्ट की तरफ जा रही है और सेंटर राइट की तरफ है, तो रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है सेंटर, तो दिस शुड बी
नेगेटिव, तो ये आर की वैल्यू माइनस पांच होगी। ऑब्जेक्ट इसमें माइनस पोल से, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस तीन होगा, तो यहां से वैल्यूज को पुट करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो मतलब आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। जैसे ये वाला केस है, इसमें ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, तो रेज यहां से यहां आएंगी, दैट इज फॉर्मूला लगेगा रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर के फॉर्मूले में इसमें यू क्या होगा नेगेटिव और वी क्या होगा इसमें पॉजिटिव। तो बस आपको केस आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना। हालांकि इस क्वेश्चन के आने का चांस भी, मैं क्या कहूँ, मतलब आ तो कुछ भी सकता है, बट अगर आप पिछले तीन साल का पेपर देखेंगे तो उसमें इसका क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट हो सकता है अब आ जाए, मैं कह नहीं सकता इसमें, ठीक। बट द पॉइंट इज कि ये एक टॉपिक है जो इसके ऊपर बनता है। दूसरा टॉपिक इसमें जो बनता है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है, हालांकि थ्योरी तो मैंने नहीं देखी इसमें लेंस मेकर के अंदर, तो फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो करके तो सबको ही जाना है। मतलब अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने देखी नहीं इसका, तो ये नहीं कि मुझे छोड़ के जाना है, बट द पॉइंट इज कि मतलब आप एक बार गो थ्रू कर लें। इसके अंदर करना कुछ नहीं है, एक लेंस है, लेंस का मेकर फॉर्मूला बनाना है। तो इसके लिए इस सर्फेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये इमेज है। तो आप एक बार रिफ्रैक्शन लगाए रेयर टू डेंसर और एक बार रिफ्रैक्शन लगाए डेंसर टू रेयर। तो एक बार फॉर्मूला रेयर टू डेंसर, एक बार डेंसर टू रेयर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके अपने आप ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू 1 बाय एफ हो जाएगा, लेंस मेकर बन जाएगा। सेम चीज कनकेव में भी की जा सकती है, वही बिल्कुल डायग्राम डिफरेंट है, उसकी जो न्यूमेरिकल जो थ्योरी का पोर्शन है एग्जैक्टली सेम है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है जो आपको ये पता होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर फिर हमने एक शीट की थी एरी, जिसके अंदर हमने ये किया था। इसमें ना एक ही चीज ध्यान से देखने वाली होती है कि बाय कन्वेक्स लेंस है तो कौन सा आर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, डबल कन्वेक्स में क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स में क्या होगा, प्लेनो कनकेव में क्या होगा, बस ये साइन कन्वेंशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है करने वाला। तो जैसे अगर मान लो आपके पास डबल कन्वेक्स या बाय कन्वेक्स लेंस है तो एक आर पॉजिटिव होगा एक आर नेगेटिव होगा, सिंपल है। और आपको मतलब ये याद ही होना जाना चाहिए अब तक कि एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव है। तो वो कह रहा है कि इसमें म्यू आपको पता है और आपको फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन है 20, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे 20। म्यू मुझे पता है, आर मुझे निकालना, तो आर कैन बी कैलकुलेटेड, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू को निकालेंगे। उसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में एक कन्वेक्स है आर पॉजिटिव और एक इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कुछ भी पुट कर दें, 1 बाय इन्फिनिटी या 1 बाय माइनस इन्फिनिटी आपको जीरो ही देगी। तो यहां से आप अपने आर की वैल्यू को कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे ये कौन सा डबल कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स का बिल्कुल क्लियर केस है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव। तो डबल कन्वेक्स लेंस को एक बार एयर में रखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर करेंगे तो फोकल लेंथ किस में आ जाएगी, एयर में आ जाएगी। लेकिन दूसरे केस में कार्बन डाइसल्फाइड में रखा तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ग्लास ऊपर आ गया और कार्बन डाइसल्फाइड नीचे, पहले पुट करके आंसर आए, ठीक है यहां तक। तो इस तरीके से ये लेंस मेकर फॉर्मूलाज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फिर थर्ड पार्ट आएगा इसमें लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन आती है, एक बार मिरर किया जाती है एक बार लेंस की, कोई भी केस दे देगा कि कन्वेक्स लेंस का रियल का केस डिस्कस कर दो या वर्चुअल कर दो, कुछ भी जो उसकी मर्जी आएगी, ऐसे मिरर में दे सकता है, ऐसे लेंस में दे सकता है। तो आपने लेंस की ये डेरिवेशंस इन ट्राइंगल वही सेम, ये तो इजी पार्ट है इसका, तो आपने 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू 1 बाय एफ आपने इसका प्रूफ करके जाना है। तो ये आपने केस लेंस का किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, अभी बताता हूँ कौन सा, ये सब आपने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको बड़ी हैरानगी होगी पूरे लेंस में से वो हर साल आपको एक क्वेश्चन जरूर दे रहा है कॉम्बिनेशन लेंस का, प्रूफ प्रूफ करो 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2, ठीक। मतलब पॉइंट है, पॉइंट ये नहीं है कि ये आसान है कि मुश्किल, पॉइंट ये है कि अनएक्सपेक्टेड है कि इतने बड़े ऑप्टिक्स में से उसको डेरिवेशन कौन सी सोचती है डालने के लिए 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2। तो ये प्रूफ करने को आएगा, आपके दो लेंस आपने लेने हैं इसमें और आपने ये ऑब्जेक्ट मानना है, तो इस लेंस के लिए ये इमेज है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज है। तो एक बार लेंस फॉर्मूला इसके लिए लगाएंगे, एक बार इसके लिए लगाएंगे, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी f2, दो इक्वेशन बनाएंगे, ऐड करेंगे 1 बाय f माइनस 1 बाय u, नई फोकल लेंथ 1 बाय f हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने को बहुत बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये,
क्लियर है यहाँ तक? तो इस बार जब तैयारी करोगे तो जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको थोड़े ध्यान से करके जाना है आपने, राइट? तो इस लेक्चर का काम यही है कि आपको ये बताना कि क्या कुछ आता है पेपर में, ठीक? तो ये आपका लेंस का केस है। अब अगर हम हैंड रिटन शीट में वापस जाएं, तो हमने लेंस की मैग्निफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे। ये क्वेश्चन मैग्निफिकेशन पे आते हैं, या तो मिरर की मैग्निफिकेशन पे आएगा या लेंस की मैग्निफिकेशन पे। या तो लेंस की थ्योरी आएगी या लेंस का एक न्यूमेरिकल आएगा। ऐसे मिरर की थ्योरी आएगी, मिरर का न्यूमेरिकल आएगा, दोनों में से एक, चारों में से एक दो क्वेश्चन तो आने आने हैं। तो इसके अंदर मैग्निफिकेशन के अंदर आपको ये फॉर्मूलाज मैंने करवाए थे, मैग्निफिकेशन जो है एफ बाई एफ प्लस यू और मैग्निफिकेशन एफ माइनस वी बाई एफ। तो बाकी इसमें जो है, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड है। तो इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन के, ये आपने करके जाने हैं। फॉर एग्जांपल, अ नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो यू आपको -45 गिवन है और इमेज बना रही है 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अदर साइड का मतलब वी इज प्लस 90। तो यहां से सॉल्व करके सबसे पहले तो अपने फोकल लेंथ निकाल ली जो कि पॉजिटिव है। अब वो क्या कह रहा है इस केस में, identify type of lens, तो ये तो convex lens है, and focal length निकाल ले, हमने निकाल ली। What is the size of the image? अगर size of the needle आपको given है, तो magnification इसके equal है। अब magnification अगर इसके equal है, तो आप इसमें value put करें, आपको image का size निकालना है, object का size तो हमेशा ही positive है, image का distance positive है, object का distance negative है, cross multiply करके h2 can be calculated। तो या तो इस type की problem आएगी, या फिर सीधा formula based आती है, जैसे ये वाली problem है। Convex lens is used to throw on a screen 10 meter from the lens. अब statement में कुछ गड़बड़ है जरूर, तो यानी कि कुछ object light on the screen होगा, तो कुछ ऐसा question है कि light गिर रही है और 10 centimeter from the lens पे light गिर रही है, यानी कि image का distance given है इसमें 10, तो light आ रही है और 10 centimeter दूर गिर रही है, तो V is equal to 10, magnified image बन रही है और magnification 19 है। Find the focal length of the lens. तो magnification इसमें real है, तो magnification real की क्या होती है? Real कैसे है? Real इसलिए क्योंकि other on the other side बन रही है। तो minus 19 put करेंगे और focal length can be calculated. तो कहने का मतलब जो आप तैयारी करें तो इस sheet को ध्यान से देख लें, magnification वाली sheet आपको बहुत ध्यान से करना है। Clear है यहाँ तक? इसके बाद जो next है, जो next booklet के अंदर क्या था lens के बाद, प्रिज्म। प्रिज्म के ऊपर गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर मेरे को कहो कि सर ऑप्टिक्स की तैयारी करनी है तो कैसे करें, मैं सबसे पहले प्रिज्म कर लूंगा, क्योंकि वो आधे पौने घंटे में तैयार हो जाना है। तो तीन नंबर तो जी मैं करूंगा। फिर कोई कहेगा अगला टॉपिक क्या करें, मैं गारंटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही करूंगा पहले, क्योंकि मुझे पता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं क्वेश्चन छोड़ के गया तो समझो तीन नंबर तो मेरे हाथ से गए। तो मतलब ये दो क्वेश्चन तो गारंटेड पक्के आने ही आने हैं। तीसरा क्वेश्चन कौन सा करोगे, लेंस का न्यूमेरिकल करूंगा, और चौथा क्या करोगे, मिरर का न्यूमेरिकल करूंगा। मतलब ये तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना कि आपके उसमें मिलने ही मिलने हैं आपको। इसमें दिखाता हूँ, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर पक्का करूंगा, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हमने किया था लेंस कॉम्बिनेशन, अभी दिखाऊंगा। तो रे ऑप्टिक्स को प्रेडिक्ट करना और वेव ऑप्टिक्स को प्रेडिक्ट, पेपर एनसीईआरटी का प्लस टू का प्रेडिक्ट करना सबसे आसान काम है। चार साल के पेपर लगातार मार्क कर लो, वेव ऑप्टिक्स में क्या आया, एक दो तीन चार, पांचवे साल का अपने आप पता लगेगा क्या आएगा, अब देख लेना। अब मतलब आप, मैं जो पेपर बना रहा होता हूँ ना, बिलीव मी, जब मैं पुराने पेपर देख रहा होता हूँ यार, ऐसा लगता है रिपीट ही करे जा रहा है, रिपीट करे जा रहा है, रिपीट, स्टेटमेंट चेंज करे जा रहा है, कॉन्सेप्ट सेम करे जा रहा है, मतलब स्टेटमेंट ही चेंज करे जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब भी आप तैयारी करें, आप प्लीज एक बार इन लेक्चर का यही फायदा है, देखो एंड में किसने नहीं आना क्लास लगाने, ये सच्चाई है। एंड में मैं भी कभी नहीं कहता, मैं खुद आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी कर लूंगा, मैं पेपर देने आ जाऊंगा, पेपर दूंगा, चला जाऊंगा, ठीक, पेपर का एनालिसिस कर लूंगा बस, वो भी खुद ही कर लूंगा, क्लास नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो अभी फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर में आता क्या है। अगर यही ना पता लगा पेपर में क्या आता है, फिर फायदा क्या हुआ। ऐसा ना हो ना आप वो चीजें करे जा रहे हो यार जो चीज आनी नहीं है, यू लाइक मैं करे जा रहे हो या कोई और बुक करे जा रहे हो करे जा, और पता लगे कि वो आता ही नहीं है या 10 साल से आया ही नहीं है टॉपिक, तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीज़ का। आप वेंडीग्राफ करे चलो मारे, चलो जो रट्टा मारा है वेंडीग्राफ का, आता ही नहीं वेंडीग्राफ कभी भी। बट द पॉइंट इज कि फिर आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे तो फिर तो तैयारी
मैं तो मन करेगा कि ये भी छोड़ दें ये भी छोड़ दें। अब क्या होता है कि हमारा पहला जो काम होता है ना, एक जैसे मान लो वीव ऑप्टिक्स में मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हम तैयारी कर रहे होंगे ना, टॉपिक तो देखो हमने 90% का अगर प्लस टारगेट रखा हुआ है, टॉपिक तो हमने सारे करने हैं, ये तो हम एक रिस्क कवर करने के लिए लेके जाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंट तो आएगा ही। बट जब वो टॉपिक मैंने सुन रखे होंगे कि ये क्लास में मतलब ये पुराने पेपर में आए हुए हैं, तो वो करते हुए मैं ना अलर्ट हो जाऊंगा। अब जैसे आज के लेक्चर के बाद आप अलर्ट हो जाओगे कि ये टॉपिक आपके मेमोरी में ना फिक्स हो जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप थोड़े ध्यान से करोगे। ठीक है यार, चार क्वेश्चन की अगर हम एक या पांच क्वेश्चन अगर हम प्रेडिक्ट कर भी रहे हैं, उसमें से तीन भी आ जाते हैं, तो भी तो गेन ही है, नुकसान क्या हुआ आपका? ठीक है ना, डर क्या होता है हमें कि कहीं ना टेढ़ा क्वेश्चन ना आ जाए, कोई एक टॉपिक में से कुछ हटके ना आ जाए। जैसे मैं वेव ऑप्टिक्स में और ईएम वेव दोनों में बड़ा हैरान हुआ, ईएम वेव के अंदर भी बहुत ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आए हुए थे, अगर आप नहीं करके गए तो आप फंस जाओगे पुराना पेपर, और आप वेव ऑप्टिक्स नहीं करके गए भी तो 101% फंसोगे ही फंसोगे, आपके वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पक्का गलत होगा। गलत नहीं होगा तो आप मतलब कुछ अपने मन से कुछ कहानी बना के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं बड़ा हैरान हुआ कि डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी पे न्यूमेरिकल, वो क्वेश्चन था लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी का फॉर्मूला किया कहा है हमने, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने। तो मैंने टेस्ट भी लिया था वीव ऑप्टिक्स का और काफी उन्होंने दिया भी था, तो उसमें आपको दिख ही गया था वो 16 17 क्वेश्चन जो है, आप देखना पेपर उसी में से आएगा। ये जो पेपर बन रहे हैं ना, ये तो पक्का आप एनालिसिस करना और इसके प्रिंटआउट भी ले जाना, इसके सोल्यूशन भी रेडी है हमारे पास। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट वो सोल्यूशन से गो थ्रू किया जा सकता है कि ये सोल्यूशन है, तो मैं सोल्यूशन भी बनाता हूँ ताकि एटलीस्ट आपको पता हो कि ये इस क्वेश्चन फाइनल से पहले एटलीस्ट आप टेस्ट को रिवाइज कर जाओ। ठीक, तो ये रिवाइज करने का होगा 10 ईयर्स रिवाइज करना है, वैसे बता दूँ मैं आपको, फायदा होगा। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मैं बता रहा था प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर ना इस टॉपिक को तो बड़े ध्यान से देख ही लो, ये वाला टॉपिक और इसका अगला टॉपिक, ये डेरिवेशन आनी है मिनिमम डेविएशन की। अगर आप मतलब अगर नॉर्मल क्वेश्चन आया, देखो या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा प्रिज्म पे, मैंने नहीं कहा कि हमेशा आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा प्रिज्म पे या थ्योरी आएगी प्रिज्म की। न्यूमेरिकल आ गया तो कोई बात नहीं, अभी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर थ्योरी आ गई तो कोई बात नहीं, ये थ्योरी है, तो थ्योरी के अंदर वो कहेगा प्रिज्म फॉर्मूला प्रूव करो। प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? प्रिज्म फॉर्मूला मिनिमम डेविएशन पे काम करता था जब I1 और I2 बराबर थे, R1 R2 बराबर थे, तो ये फॉर्मूला प्रूव होता था। तो हमने ना ये नहीं, यहां से प्रूव नहीं करना, हमने बेसिक डायग्राम यही बनाना है पहले, ये वाला ये डायग्राम बनाना है हमने, पहले हमने पूरी ज्योमेट्री डिस्कस करनी है कि ये रे आई, ये रे गई, यहां से आई पीछे गई, यहां गई, डेविएशन है तो डेविएशन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और ये एंगल होगा I1 - R1, ये क्या होगा I2 - R2, ये पूरी कैलकुलेशन शो करते हुए फिर स्पेशल केस बनाना है कि लेट अस सपोज, लेट टेक अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के केस में I1 I2 के इक्वल, R1 R2 के इक्वल, तो R1 प्लस R2 a होता है, तो R इज इक्वल टू a/2, और डेल्टा क्या होता है I1 I2 माइनस a, तो यहाँ से I1 I2 बराबर होगा मिनिमम डेविएशन के केस में, तो यहाँ से I कैन बी कैलकुलेटेड। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, आई पता है आर पता है, तो दिस कैन बी प्रूव्ड। या तो ये क्वेश्चन आएगा प्रिज्म पे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन आएगा प्रिज्म पे, ये ग्राफ बनाना, ये ग्राफ बनाना आता है, मिनिमम डेविएशन का ग्राफ पक्का आएगा, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी आता है। ठीक, तो या फिर जो मिरर्स की डेरिवेशन थी, मिरर्स की याद है, ये जो केस थे मिरर के, तीन केस किए थे कंकेव और कन्वेक्स के, रियल और वर्चुअल और वर्चुअल, इनमें से एक केस की डेरिवेशन आएगी आपको कोई भी, कि कन्वेक्स का रियल बना दो या कन्वेक्स का वर्चुअल बना दो, कोई ना कोई ऐसा केस आएगा। तो ये तीन डेरिवेशन पक्का करके जानी है आपने किसी भी हालत में, लेंस की भी करके जानी है और मिरर की भी करके जानी है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये करने के बाद एक क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का, ये क्वेश्चन था जिसकी फोटो ध्यान से देख लो, ये पिछले 8 साल में 2 बार तो आया हुआ है, 7 8 साल का पेपर तो गया, ये दूसरी बार अभी रिपीट हुआ था 2017 या 2018 में, अभी लास्ट टाइम तो हुआ नहीं, पर ये आता है, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है। तो एक बार क्योंकि मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन लेंस कॉम्बिनेशन पे है, तो लेंस कॉम्बिनेशन की 2 बार तो थ्योरी आई हुई है, लेंस कॉम्बिनेशन की अब
न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये उनका, बाकी न्यूमेरिकल तो अपने रेंज में है, बाकी तो इजी है। एक यही न्यूमेरिकल है जो सबसे ज्यादा एफर्ट लेता है पूरी असाइनमेंट में, लेंस कॉम्बिनेशन पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसे, ताकि आपका एफर्ट कम लगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वी कन्वेक्स लेंस गिवन है, नीचे एक लेंस इक्वी कन्वेक्स लेंस गिवन है, आगे वो कह रहे हैं एक लिक्विड की लेयर के ऊपर इसको रखा गया, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, लिक्विड की लेयर है और नीचे मिरर है, रख दिया। फिर वो कहता है कि इस केस में आपने एक नीडल को ऊपर नीचे मूव किया, और तब तक मूव किया जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज की जो जो है वो कोइंसाइड नहीं करते। मान लो वो कोइंसाइड कर गए यहां पे, अब वो कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम लेंस इज मेजर टू बी ए, ये दूरी कितनी मापी गई ए, और अगर मैंने इस लिक्विड को हटा दिया तो ये डिस्टेंस कितना रह गया बी। लिक्विड के साथ लेंस एंड लिक्विड का कॉम्बिनेशन डिस्टेंस इज ए, ओनली लेंस के लिए डिस्टेंस इज बी। या तो क्लियर हो गया ए और बी, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि गिवन दैट टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ वैल्यूज इन टू केसेस, कह रहे ए और बी मान लें कि फोकल लेंथ है दो केसेस में, यानी कि ये एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है, ये एक प्लेनो कनकेव लेंस है, देखो ये कनकेव है और ये प्लेन है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कनकेव लेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं दोनों लेंस इकट्ठे लेता हूं, मिरर लेंस और इक्वी कन्वेक्स लेंस, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो है ए, अगर मैं लिक्विड हटा देता हूं और सिर्फ लेंस रखता हूं तो लेंस की फोकल लेंथ है बी। तो आपको यह बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का कितना है। तो एक काम करते हैं हम, हमारे पास अब एक तरीके से यहां पर तीन लेंस है, पहला लेंस है कन्वेक्स लेंस, दूसरा लेंस है मिरर लेंस, तीसरा लेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड मिरर लेंस। कन्वेक्स और मिरर की फोकल लेंथ गिवन है ए, सिर्फ कन्वेक्स की फोकल लेंथ गिवन है बी, तो मिरर लेंस की फोकल लेंथ हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से निकाल सकते हैं, 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा इसमें, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कन्वेक्स लेंस एंड वाटर लेंस, पानी का लेंस और कन्वेक्स लेंस की टोटल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी है ए, और जो पानी का लेंस है वो प्लेनो कनकेव लेंस है, नाम दे दिया मैंने। तो अगर फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की ए है, अगर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की बी है, और मान लेते हैं कि जो पानी का लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है f2 है, तो एक चीज बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। f का मतलब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है जिसमें कन्वेक्स लेंस एंड पानी का लेंस है, f1 का मतलब इक्वी कन्वेक्स लेंस है, और ये सिर्फ पानी का लेंस है जो कि प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस है। मेरे को क्वेश्चन में पानी का लेंस यानी कि प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नहीं मालूम, 1/f - 1/f1, मुझे कॉम्बिनेशन की ए मालूम है, मुझे इसकी कन्वेक्स लेंस की बी मालूम है, तो मेरे पास वाटर लेंस यानी कि प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ आ गई। याद है, क्लियर है, प्लेनो कनकेव लेंस की आ गई। प्लेनो कनकेव लेंस होता क्या है, जिसका एक रेडियस माइनस आर होता है और एक क्या होता है इन्फिनिटी होता है, एक माइनस आर और एक इन्फिनिटी। तो आप 1/f प्लेनो कनकेव लेंस के लिए यूज करें, f2 हमने निकाल लिया ऊपर से, एक रेडियस नेगेटिव है एक इन्फिनिटी है, म्यू लेंस म्यू लिक्विड -1, सॉल्व करके म्यू लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड। तो लिक्विड का मतलब है जो वाटर लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मेकर फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे। पर ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपको इस पानी के लेंस की फोकल लेंथ पता होगी, और पानी के लेंस की फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन से निकलेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, पहले f2 निकलेगा, फिर f2 यहां पुट करेंगे, लेंस मेकर यूज करेंगे, सॉल्व करके म्यू ऑफ लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ए की जगह उन्होंने एक्स कर दिया, बी की जगह उन्होंने वाई कर दिया, बाकी सेम है। बट जिन्होंने किया नहीं है क्वेश्चन, वो पेपर में तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, पेपर में कितने किसके बाद टाइम है वो ट्राई मारने, आप देख तो लिया मेंस देके कितने की ट्राई मार लेते हो वहां बैठ के, नहीं होते टाइम नहीं है।
इस टाइप का कि जिसमें एक मिरर है, लेंस है और एक निडल है, कहेगा फोकल लेंथ निकालो, तो याद रखना यही इसकी फोकल लेंथ होगी, मतलब रे जाएगी परपेंडिकुलर हिट करेगी और रिट्रेस कर जाएगी, यही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यही फोकल लेंथ है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, हालांकि ऊपर वाली प्रॉब्लम ज्यादा ही हुई है, पर फिर भी मैंने बता दिया, कई बार ये क्वेश्चन आ जाती है तो आपको आइडिया होना चाहिए इसमें। जो मिरर्स की एक शीट थी ना ये वाली, इसको नहीं छोड़ के जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी जो हमने क्लास में की थी ना, कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, इमेज गिवन है और फोकल लेंथ निकालनी है, या कोई भी लेंस है जिसमें आपको ये मैग्निफिकेशन वाली, जिसमें मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन गिवन थे, मैग्निफिकेशन और लेंस के क्वेश्चन गिवन थे, ये आपको पक्का करके जानी है ये शीट, इसके ऊपर कोई ना कोई एक मैग्निफिकेशन के ऊपर दो नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है ना, ये सब शीट्स हैं आपके पास, एक ये वाली और एक लेंस के कॉम्बिनेशन, नहीं ये नहीं यार, लेंस का कॉम्बिनेशन कहाँ गया, मैंने आपको एक शीट दी थी, मैंने आपको ना कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे, मुझे याद आ रहा है ये वाले न्यूमेरिकल देखो, आपको ना तीन लेंस गिवन है, एक दो तीन, ऐसी एक शीट थी, एक मुझे मिल नहीं रही, जिसमें ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपको फाइनल इमेज बतानी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो 1 by f is 1 by v minus 1 by u लगा के v निकालते हैं और इसकी कोई इमेज आती है, आपको इमेज का डिस्टेंस पता लगे, आपको लेंस का डिस्टेंस पता होगा, आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता लग गया, अब ये क्या निकालेगा, इसकी इमेज, फिर आपको ये डिस्टेंस भी पता होगा तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर फाइनल इमेज। तो ये टाइप की न्यूमेरिकल की शीट आपको पक्का करके जानी है, जिसमें लेंस के कॉम्बिनेशन है, आपको एक क्वेश्चन पक्का लेंस कॉम्बिनेशन पे आ सकता है, किसमें था, उसमें लेंस वाली में, इसी में था, ऊपर वो मिरर के साथ था, है इसमें, अच्छा हो सकता है नहीं यार, नहीं है इसमें, ऐसा ही था, मुझे याद आ रही है पर मुझे मिल नहीं रही यार, शायद लीनियर मैग्निफिकेशन में होगी, इसमें हो सकती है, मुझे याद नहीं आ रही, पर आपके पास वो शीट है मुझे इतना पता है। ठीक है, मतलब आपने वो न्यूमेरिकल पक्का करके जाना है, लेंस कॉम्बिनेशन वाला छोड़ के नहीं जाना उसे। अभी जो नेक्स्ट जो पार्ट है जो आ सकता है, अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो इसने तो तीन नंबर में आना ही आना है, जो मर्जी कर लो आप, अगर ये छोड़ के जा रहे हो ना तो आप बस ये लगा के चलो कि आपके तीन नंबर घर से कट गए। तो जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करो तो प्लीज सबसे पहले ऑप्टिकल, जब आप ऑप्टिक्स करो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर कर लो। और कई तो कह रहे हैं मेंस के अंदर भी टेलीस्कोप का क्वेश्चन आया, किसी को तो आया आया, चलो ठीक है। तो इसके अंदर डायग्राम्स में कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये आपके खुद की प्रैक्टिस ही है, इसमें मैं तो क्या ही सिखाऊंगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ऐसी इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन भी आनी चाहिए प्रूफ। मैंने क्वेश्चन देखा है पांच नंबर में टेलीस्कोप आया और उसमें आया साथ में एंगुलर मैग्निफिकेशन, लिख के दिखाओ पूरा प्रूफ करके दिखाओ, ये आएगा साथ में। तो ये सब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ये तो करने करने हैं, ध्यान आगे आगे प्लीज बात बंद करो प्लीज, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप विद एंगुलर मैग्निफिकेशन तो याद करनी करनी है। आजकल ये बड़े फैशन में चल रहा है, न्यूटोनियन टाइप और रिफ्लेक्टिंग टाइप और कैसग्रेन टाइप, ये कैसग्रेन टाइप जो है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है ये वाला, ये बहुत आ रहा है आजकल, तो ये सारे डायग्राम आपने याद करके जाने हैं इसके बुकलेट में। इसके बाद जो है मिरर लेंस प्रिज्म, एक शीट आपको प्रिज्म की मिली थी जिसके अंदर प्रिज्म का न्यूमेरिकल मैंने बताया आएगा, प्रिज्म के अंदर जैसे रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के केस में प्रिज्म का फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन एंड रिफ्रैक्टिव एंगल गिवन,
रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है ए, ए का मतलब क्या होता है आर वन प्लस आर टू, ये गिवन है आपको, इसमें साइन इनवर्स भी गिवन है, और आपको इसमें क्या निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, आपको इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको ए गिवन है, म्यू गिवन है, ए गिवन है, यहां से डेल्टा एम कैन बी कैलकुलेटेड, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा यहां से आ जाएगा, और अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जाए तो डेल्टा एम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, तो यहां से डेल्टा एम पता है, ए पता है, तो आई कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो या तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम भी आ सकती है जिसमें रे ऑफ लाइट गई, वो कह रहे हैं कि फेस के साथ एंगल 50 बनाया तो नॉर्मल के साथ 40 बनाया, तो नॉर्मल के साथ के एंगल को I1 बोलते हैं, फिर पूछेगा ये एंगल कितने बनेंगे, आपको क्या क्या गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, ए गिवन है, डेविएशन गिवन है, और I1 आपको यहां से 40 आपने निकाल लिया, तो डेल्टा का फॉर्मूला I1 I2 माइनस ए से क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू आ जाएगी, और अगर I2 आ गया तो ये नॉर्मल के साथ एंगल होता है तो फेस के साथ एंगल क्या बनेगा 90 माइनस 62 यानी कि 28। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ इसी के अंदर एक और क्वेश्चन था 90 डिग्री वाला, वो बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप की प्रॉब्लम जो 90 डिग्री के ऊपर प्रिज्म में लाइट एंटर करती है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रे ऑफ लाइट आई, आई और आर चली गई 90 डिग्री पे हिट करती है और रिट्रेस करके वापस आ जाती है। 90 डिग्री का मतलब ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा ना रिफ्रैक्शन बनेगा, आपको इस केस में आई बताना है, तो मुझे पता है कि आर प्लस आर डैश क्या होता है, ए, ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आर डैश क्या है यहां पर जीरो क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, तो यहां से आर आ गया, तो आपके पास आर आ गया, आपको इसमें आई निकालना है, तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, म्यू इज साइन आई बाय साइन आर, तो यहां से आई कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। तो ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम भी, इस टाइप की प्रॉब्लम भी, ये तो खैर लंबी है ये तो नहीं आएगी इस टाइप की, एक और प्रॉब्लम है इसमें, ये प्रॉब्लम बहुत आती है ये वाली प्रॉब्लम एज शोन इन फिगर, क्योंकि वो प्रिज्म भी टेस्ट कर रहे हैं और साथ में TIR भी टेस्ट कर रहे हैं, तो एज शोन इन अ फिगर PQ इज अ रे इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म ABC, तो ये ABC पे PQ रे गई, शो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंड एमरजेंट रेज, तो आपको जो है आपको इसमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है कि कैसे इसमें बनेगा, ये तो खैर सोल्यूशन है वो क्वेश्चन में गिवन है, एंड क्रिटिकल एंगल आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है, ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल, तो सबसे पहली चीज ये रे अंदर गई, ये गई 90 डिग्री पे, बेंड तो होगी नहीं 90 डिग्री पे जा रही है, यहां जाके दो केस हो सकते हैं, या तो ये बाहर आ जाएगी या सरफेस के साथ जाएगी या अंदर आ जाएगी, अब ये कौन डिसाइड करेगा, क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री गिवन है, तो आप यहां पर ज्योमेट्री ड्रॉ करें, ये 90 है ये 45 गिवन है, तो ये 45 है, ये 45 है, ये नॉर्मल है, तो ये 45 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, क्रिटिकल भी 45 है, तो यानी कि रे बिल्कुल सरफेस के साथ साथ चलेगी, क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय ज्योमेट्री निकाल दिया जो कि एग्जैक्टली किसके इक्वल आया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गया, तो अब उसके बाद म्यू इज 1 बाय साइन सी, क्रिटिकल एंगल तो आपको पता ही है, तो म्यू कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आती है बोर्ड में जिसमें TIR को चेक करने को आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से बड़ा होगा तो TIR होगा, नहीं तो अगर इक्वल होगा तो साथ में चल पड़ेगी रे, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो जो एंगुलर वो सब तो आपने करना ही करना है, मैंने एक बुकलेट के साथ साथ आपको थ्योरी की ये भी एक असाइनमेंट साथ में दी थी जो बुकलेट में नहीं थी, जिसके अंदर आपको एक तो ये केस गिवन है कि क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो हमने केस किया वो इन जो रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है और इमेज जो बन रही है वो एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रही है, हमने क्लास में किया था, तो इमेज जो है अगर लीस्ट डिस्टेंस पे बनती है और अगर इन्फिनिटी पे बनती है, दो केसेस में बनते हैं, तो वो एक तो इसमें ये करके दिखाया, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस करके दिखाए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कि हमने जो बुकलेट में किया वो उसमें इमेज कहां पर बनाई थी, या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, पर अगर इन्फिनिटी भी बनती है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो अगर इन्फिनिटी भी बनती है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, और वो वाला जो लीस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमने क्लास में किया हुआ है, तो ऐसी ये आपने मैंने बताया था स्पेशली कि इसमें न्यूटोनियन टाइप और कैसग्रेन आप लोग करके जाना है, ये दोनों के दोनों ये इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ थ्योरी में ये तो याद करने वाली सारी चीजें हैं, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं है, तो मतलब याद किया और लिख दिया,
ये इसके ऊपर भी हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, एक पार्ट तो वो पूछ ही लेगा इसमें। याद करके जाना कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से कैसे बेटर है, जिसमें मिरर लगा होता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप है, रिफ्रैक्टिंग टाइप में लेंस लगा होता है। तो एक तो आप ये लिख सकते हो इसमें कि जो मिरर है उसमें कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर्स जो है क्योंकि लेंस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जब लाइट लाइट जाती है सात रंगों में स्प्लिट हो जाती है तो उसमें सात फोकल लेंथ आ जाती है, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन बोलते हैं। तो लेंस में ये प्रॉब्लम है, मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मिरर इज पैराबोलिक, इफ द मिरर इज पैराबोलिक इवन स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिमूव्ड। तो मिरर को तो आप पैराबोला में कट कर सकते हो और रेज एक ही जगह पर फोकस करवा सकते हो, जबकि स्फेरिकल मिरर कई जगह पर रेज को फोकस करवाता है, तो आप जो है स्फेरिकल एब्रेशन को भी ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो इजी है, डिजाइन करना इंस्टॉल करना इजी है, हल्का भी है, लेकिन लेंस वाला जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है उसका मैकेनिकल ऑपरेटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और भारी भी है। और इट इज पॉसिबल टू हैव टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर, तो आप एक टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव मिरर है, मिरर को तो जितना मर्जी बड़ा कर लो, लेंस की कटिंग इतनी आसान नहीं है, लेंस को बहुत बड़ा नहीं कर सकते, तो मिरर को कर सकते हैं, तो हाई रिजोल्विंग पावर कैन बी अचीव। ये पॉइंट्स पे वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो मुझे नहीं पता, पर ये सॉल्यूशन में से एक आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें से दो पॉइंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा डायरेक्ट तो अभी बताऊंगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया, इस साल ही आया 2019 में, बताऊंगा इसमें से क्या क्वेश्चन, मतलब इसी को घुमा के पूछ दिया, सॉल्यूशन यही है। ये थ्योरी है, इसी के बेस पे ह्यूमन आई तो आता नहीं है, इसके न्यूमेरिकल की शीट थी एक, ठीक, न्यूमेरिकल की शीट के अंदर सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला, अगर इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है तो मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला, और अगर मान लो इन्फिनिटी पे है तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूलास इसके ऊपर। ये शीट तो मैंने ऐसे तैयार की थी कि फॉर्मूला लिखे नीचे न्यूमेरिकल भी बता दिया इसका, ताकि फॉर्मूले के साथ आप रिलेट कर पाए। तो इसके अंदर अ थिन लेंस कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप बाय अ पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, तो कैपिटल डी तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है तो एफ पॉजिटिव है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इमेज को वो लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे देखेगा तो 1+d/f सीधा आंसर आएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज रेटेड 5x, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 5 है, नॉर्मल रिलैक्स्ड आई, जब रिलैक्स्ड आई आता है तो याद रखना उस केस में इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाले केस की मैग्नीफाइंग पावर यूज करनी है जो कि d/f है, तो मतलब ये पता होना चाहिए कि रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी का केस इसमें करना है। उसी तरीके से लिख दिया वैसे इसमें मैंने इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी, ऐसी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम बिल्कुल सेम इसी के ऊपर है, इसी के बेस पे जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड में दो फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें ध्यान से रखने वाली वैसे एक ही बात है जो इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव और आईपीस की मल्टीप्लिकेशन है, ये तो चलो आसान है, इसका फॉर्मूला जब इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है तो इसका ये फॉर्मूला याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि कभी कभी आपको टेलीस्कोप की प्रॉब्लम है, टेलीस्कोप की लेंथ गिवन होती है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, और हम ये अप्रोक्सीमेशन चलाते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव बनाता है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के इक्वल ही अप्रोक्सीमेटली पुट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी फोकल लेंथ के आसपास होता है, तो ये ना अप्रोक्सीमेशंस है। तो हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में वी नॉट और यू नॉट ना गिवन हो, आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप गिवन हो और एफ नॉट गिवन हो, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये नहीं गिवन तो आंसर नहीं आएगा, इसकी जगह आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ऐसी अगर इमेज इन्फिनिटी भी बनेगी तो वन वाले टर्म को हटा दो तो ये फॉर्मूला सेम यहीं पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला है जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं, राइट। तो उसी तरीके से बाकी कुछ नहीं है इसमें, वो तो आइडेंटिफिकेशन है, एक बार आपने फॉर्मूला याद कर लिया फिर तो फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है और इसमें कुछ भी नहीं करना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में। ऐसी लास्ट जो है इसमें जो फॉर्मूलाज हैं टेलीस्कोप इसी के ऊपर है। अब मैं काम करता हूं, आपको 3 साल के पेपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली आप पेपर में आता क्या है, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जो
जब आप प्रिपरेशन करोगे इसकी तो आपको क्या एग्जैक्टली करके आना है बहुत अच्छे से। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पेपर, ये 2017 है, चलो थोड़ा पुराना है। ये लो, पहले 19 से स्टार्ट करते हैं। 19 के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया है ए सेक्शन तक तो कुछ आता ही नहीं है, रादर बी सेक्शन तक भी कुछ नहीं आता था ऑप्टिक्स में से, वो तो वॉल्यूम वन में से ही आता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। नाइन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है, कभी कभी 11-13 से भी करता है। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी, बीम आ रही है पी पॉइंट पर मिल रही है। नाउ अ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, तो आपने जो रेज गिर रही थी उसके रास्ते में कन्वेक्स लेंस रख दिया। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार शीट में किया था कि उससे क्या होगा, इमेज तो बनी रही थी, कन्वेक्स लेंस ने क्या करना है उस इमेज को अब शिफ्ट कर देना है। इमेज तो बनी रही थी पी पॉइंट पर, किसी और लेंस से बन रही होगी, पर हमने रास्ते में क्या किया, एक और कन्वेक्स लेंस रख दिया जिसने क्या किया, इमेज को और शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपको गिवन है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट गिवन है, क्योंकि उसने आपके बनी हुई इमेज को क्या किया, शिफ्ट किया। तो कन्वेक्स लेंस रखने से इमेज जो बनी हुई थी वो शिफ्ट हो गई, और इमेज कहां पर बनी हुई थी, 15 पे, तो मतलब लेंस और इमेज के बीच में डिस्टेंस 15 था, तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा वो इमेज, तो दिस इज नोन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, प्लस 15 माइनस 15 नहीं। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो वैसे ही पॉजिटिव है, सॉल्व करके वी कैन मेक कैलकुलेटेड आंसर। तो मुझे नहीं पता ये आसान लगा आपको, मुश्किल लगा, लेकिन ये क्वेश्चन इस साल पेपर में आया, और जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, उनके लिए चॉइस में एक और क्वेश्चन था। ठीक, देखो अब मुझे पता नहीं वो कैसे बनाएगा, रियल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, क्या बनाएगा। वैसे तो v इज इक्वल टू प्लस 60 आया है, बाद में बनाया उसने, हो सकता है यार रे डायग्राम के हिसाब से रेज आ रही थी कुछ इस तरीके से, है ना, पी पॉइंट पे बन रही थी, मैंने कन्वेक्स लेंस रख दिया। हाँ, और पहले होना चाहिए था, न्यूमेरिकली उसे सोचा नहीं होगा बनाते हुए, न्यूमेरिकली उसने 60 के साथ आ गया ना, मतलब ये डिस्टेंस 15 था, उसने लेंस में इसको, वैसे मुझे लगता है यार ये ना कन्वेक्स की जगह कुछ नहीं, ठीक है यार ये डायग्राम ही बना पाऊंगा इसका, क्योंकि ये रे या ऐसा हो सकता है कि ये जो रेज आ रही थी ना, नहीं ये जो रेज आ रही थी ना ये कनकेव से आ रही थी, पीछे कोई कनकेव लेंस रखा होगा और ये वर्चुअल इमेज बनी होगी उसकी, मतलब मैं सोच रहा हूं कि ऐसे है और यहां से रेज डाइवर्जिंग है ना, तो पी ये रहा, इससे नहीं होगा, इसी से होगा, इसी लेंस के लिए वी यूज हो रहा है, इसी लेंस से यू लिया हमने, इसी लेंस से हमने वी लिया। नहीं, न्यूमेरिकली तो ठीक है, 60 तो आंसर आ गया, नंबर तो मिल गया हमें, वो वैसे सोच रहा है कि इसका केस कैसे बन गया, यही है ना प्रॉब्लम, डायग्राम तो नहीं उसने कहा, पर मैं ये सोच रहा हूं कि इसके बारे में मेरे को मेंशन नहीं है कि वो सीधी आ रही थी कि वो कनकेव से आ रही थी, क्या पता कनकेव या डाइवर्ज कर रहा हो इसको ऐसे पी पॉइंट पर, उल्टा ऐसे पॉइंट पर, और मैंने क्या किया बीच में कन्वेक्स लेंस, ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बन सकता है डायग्राम, बट इतनी जरूरत नहीं है, वो वहीं से हमें समझ में आ ही रहा है कि इसे क्या करना है। सेकंड ऑप्शन ज्यादा आसान आया है, सेकंड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को है कनकेव मिरर का क्वेश्चन है और इमेज इज फॉर्मड इज रियल, तो और जिसकी मैग्निफिकेशन 3 गिवन है, तो मैंने जो कहा था वो शीट करके जाना मैग्निफिकेशन वाली मिरर्स की, तो ये सॉल्यूशन ऐसे मत करना, मैंने सॉल्यूशन मैग्निफिकेशन के फार्मूला से करवाया, वहीं से करना, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला वाली शीट को पक्का करके जाना, क्योंकि लेंस या मिरर में मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। फिर इसी पेपर के अंदर थोड़ा और नीचे चलते हैं, मेरे ख्याल से 5 नंबर के आसपास आना चाहिए इसे, ये रहा 3 नंबर में भी आया होगा, ये रहा, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ गया, और ये तो आया ही आया, कह रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन भी लिखो इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ।
अब अगर आप कंपाउंड सॉरी कंपाउंड कह रहा हूं, अगर आप टेलीस्कोप की बात करते हो, टेलीस्कोप में इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी का एक केस था, इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस का एक केस था, याद है दो केस थे। तो उसने क्या किया, जो मैं सॉल्यूशन देख रहा था, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर तो आप एक कर ही दो, जो करना है आप लीस्ट डिस्टेंस वाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर एंड में लिखा ना कि इफ इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी तो मैग्नीफाइंग पावर कुछ और है, एंड इफ इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो इमेज कुछ और है। तो बेसिकली आपने क्या करना है कि दो फॉर्मूलाज हैं तो दो फॉर्मूलाज के दो फॉर्मूलाज ही लिखाने हैं, क्योंकि क्या पता यार वो कौन सा फॉर्मूला सोच रहा होगा, तो लिख दो फॉर्मूला, प्रूफ एक के साथ कर लो, स्पेशल केस बना दो कि अगर इन्फिनिटी पे है तो ये भी फॉर्मूला मुझे आता है। फिर अगला केस है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रिक्वायर्ड टू अचीव लार्ज रेजोल्यूशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंट लिमिटेशंस। आप स्टेटमेंट देखो, वर्ड देखो क्या भारी भारी यूज कर रहा है, दोबारा पढ़ लो। जब ऐसी स्टेटमेंट बोर्ड में आती है ना नई बन के, एक बार बंदा थोड़ा हिलता है कि यार मतलब ध्यान से पढ़ लूं। लार्ज रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर का क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन लार्ज रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर लार्ज चाहिए, तो क्या करूं वो कहता है, और क्या लिमिटेशंस हैं इस टेलीस्कोप की ये भी बताओ। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखो और ये लिखो कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायमीटर पे डिपेंडेंट है, अगर मैं डायमीटर ज्यादा लूंगा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा आएगी, ज्यादा डी ऊपर है, ठीक। और लिमिटेशंस क्या है इसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप ये जो हमने टेलीस्कोप बनाया बताया था लाइक क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन इसमें आती है, मिरर में नहीं आती, इसमें आती है। मैंने बोला था ना कि किसी ना किसी तरीके से ये वर्ड यूज करवाएगा। तो एक मुश्किल लाइन थी जो आपको अगर पहले पढ़ रखी है तो ही आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो दे नहीं पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, जो नहीं करना चाहता उसके लिए प्रिज्म का क्या बढ़िया क्वेश्चन है। ए पार्ट है ग्राफ ड्रॉ कर दो, ग्राफ तो हमने कर ही दिया ड्रॉ। बी पार्ट है मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला प्रूव कर दो, चलो ये तो और भी आसान हो गया, ठीक हो गया। तो ऑप्टिक्स में 2019 में तो और भी पांच नंबर भी देख लेते हैं, ये रहा 27th प्रॉब्लम आई हुई है। प्रूव करो 1 बाय एफ इज 1 बाय एफ1 प्लस 1 बाय एफ2 लेंस, जब दो दो लेंस का कॉम्बिनेशन ये आंसर देगा, हो जाएगा। और ये लेंस का न्यूमेरिकल भी है, जो भी मैं बात कर रहा था ना ये वाला, ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक, तो ऑप्टिक्स ठीक ठाक आया हुआ, ऐसी बात नहीं है, कई क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिक्स के तो इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहाँ तक। 2018 में देख लेते हैं, 2018 में लो 15 का ए पार्ट तो वेव ऑप्टिक्स का है, बी पार्ट है फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, टीआईआर होगा कि नहीं होगा। अभी प्रिज्म के अंदर जो मैंने आखिरी क्वेश्चन करवाया था ये वही क्वेश्चन डाला हुआ है सेम, तो याद है वो टीआईआर सरफेस के साथ जब लाइट जाती है सेम क्वेश्चन है, मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रिज्म को लेके। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देख रहे हो जो आज वो शीट में से था, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहली बार नहीं आया, पहले भी आया हुआ है, तो ये वही लेंस वो सेम केस है। दो तीसरा क्वेश्चन रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन व्हेन कंकेव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, डेरिवेशन आ गई मिरर की। बी पार्ट है ऑब्टेन मिरर फॉर्मूला, पहले इमेज सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है ए पार्ट में, दूसरे मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, तीसरे में टू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग। मैंने बोला ये तो आपसे लिखवाएगा ही लिखवाएगा कि रिफ्लेक्टिंग का क्या फायदा है, स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होती, ये तो वर्ड आपको याद करके जाना है, पॉइंट क्लियर है यहां तक। ये तो आपका जो पेपर था 2018 का पेपर है, खत्म हो गया, बस इतना ही है। 2017 में देख लेते हैं और क्लोज करते हैं, अगर ये भी ठीक बैठता है तो यानी कि रे ऑप्टिक्स ठीक ही आएगा, तीन की प्रोबेबिलिटी तो ठीक है। तो 2017 के अंदर
ये रहा क्वेश्चन, पहला तो वेव ऑप्टिक्स का है, दूसरा 15th का भी, डबल कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस कर्वेचर सेम है, फोकल लेंथ गिवन है, आर निकालना है, डबल आर चो किया था, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, सिंपल बाय कन्वेक्स लेंस का सिंपल न्यूमेरिकल है, राइट, ठीक है ना, डबल कन्वेक्स लेंस 15 का भी। नेक्स्ट ये आया है, ये यूलाइक में से सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ है, जिसके अंदर कह रहे रे डायग्राम है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको कह रहे हैं कि लेंस पावर और अपर्चर को देखते हुए आपको ये बताना है कि जब आप टेलीस्कोप डिजाइन करोगे तो कौन सा आईपीस यूज करोगे लेंस और कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करोगे इसमें से, ये क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। तो आपको ये रीजन याद करके जाना है कि ऑब्जेक्टिव के अंदर लार्ज अपर्चर होना चाहिए एंड लार्ज फोकल लेंथ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बड़ा होना चाहिए क्योंकि रेज उसमें से पास होके आती हैं। पावर अगर लार्ज चाहिए होगी या फोकल लेंथ अगर आपको सॉरी लार्ज चाहिए होगी तो पावर कम चाहिए होगी, सबसे कम पावर किसकी है, 3 की, तो ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। पावर इसकी कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ सबसे कम चाहिए होती है तो पावर सबसे ज्यादा 10। तो यहां से आपको चेक कर, अब ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, यूलाई के अंदर 2-3 क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे टेबुलर फॉर्म में, ये वहां से आप ट्राई करोगे तो आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हालांकि इसके अंदर सॉल्यूशन गलत लिखा है, इसमें L3 लिखा है, L2 लिखा है, L3 आंसर है, गलत है, मैं यूलाइक में चेक कर लिया है, इसका एक आंसर L1 है, एक आंसर L3 है। तो ये याद रखना, पावर या तो ज्यादा होगी या पावर एकदम लीस्ट होगी, क्लियर है यहां तक? तो बाइट सा बैठ लो, ठीक है। आपने एक चीज नोट की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो हर हालत में आएगा ही आएगा, ये तो करके जाना ही चाहिए। लो, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस, 1/FS, 1/F1 प्लस 1/F2 का रे डायग्राम ड्रॉ करना है, वही दूसरी बार आया है ये 2-3 साल में। नेक्स्ट है, रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, स्पीड ऑफ द लाइट इन प्रिज्म निकालो। तो मिनिमम डेविएशन है, पहले प्रिज्म फॉर्मूला लगा के म्यू निकलेगा, म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो आप मीडियम में स्पीड आएगी। तो मतलब प्रिज्म के ऊपर भी न्यूमेरिकल आ रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे न्यूमेरिकल आ रहा है, लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पे आ रहा है। मतलब आपको इस घंटे में ये पता लगा कि मेरे को क्या क्या फोकस करना है, और कुछ करना नहीं करना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ही शुरू करनी चाहिए, ठीक है यहां तक?